हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिंदु ए, बी और सी, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है, ये तीनों क्या है? आपका संरेख है। तो संरेख के लिए मैंने बताया था कि संरेख है तो इसका मतलब जो ए बी सी, बिंदु ए बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये आपको दिया है, मान के चलना है। दिया क्या है कि बिंदु संरेख है, और बिंदु संरेख है इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है तो याद करो आप, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। यही फॉर्मूला था। 1/2 उधर 0 में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो हम 1/2 नहीं लिखेंगे। x1, ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इसमें पुट करना है। x1 क्या है? 7 है। y2 1 है, माइनस y3 तो k है, प्लस x2 मीन्स 5 इंटू y3 k, और माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 3 है, y1 माइनस y2 -2 और y2 है 1 तो माइनस का 1 बराबर 0। 1/2 मैंने 0 में पहुंचा दिया है। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करना होगा। 7 को 1 में गुणा करोगे तो 7 ही होगा, और 7 को k में गुणा करोगे तो 7 k हो जाएगा। ठीक है, 5k को इसमें गुणा करोगे तो 5k होगा, और प्लस 2 है तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। -2 - 1 - 3 होगा, -3 को जब गुणा करेंगे 3 से तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बराबर 0। अब देखो -7k + 5k, ये क्या हो जाएगा? -2k हो जाएगा, क्योंकि -7 है या +5 है, बड़ी संख्या माइनस का है तो -2k। और ये इन संख्याओं को अलग कर लो आप, 7 + 10 = 17 - 9 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, +8 उधर ले जाना है, तो -2k = -8 हो जाएगा, +8 है तो माइनस हो जाएगा, उधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो k = 8, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? बट्टे में। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में, तो k की वैल्यू आ गई 4, और यही आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट सेम एज इट इज़ है, आप करना अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।